नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन एस इंटरव्यू में एंड टुडे द डेट इज ट्वेंटी वन नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो आज के डिस्कशन शुरू करते हैं बट उससे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग ऑन टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सर्च दिस चैनल एट द रेट एस फॉर लाइफ टू फाइंड आउट दिस चैनल या फिर आप सर्च कर सकते हो एट द रेट एस डिस्कशन तो विदाउट फर्दर डिले आज के डिस्कशन शुरू करते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सबसे पहले एस डिस्कस करेंगे तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं फर्स्टली अटैम्प्टर्स्टलीवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन एंड देर आफ्टर दिस फिफ्टी ऑल्सो फर्स्ट एस आर टी इज ही नोटिस स्टाफ ऑफिस आर कॉन्स्पायरिंग टू लेट हिम डाउन इन द आईज ऑफ बॉस ही विल क्या करेगा वो फर्स्टली यू हैव टू रिज मैटर यू विल टॉक टू हिम एंड देर आफ्टर कंटिन्यूड वर्क मेड हेल्दी रिलेशनशिप एंड आउट द मैटर तो सही आंसर है क्या करेगा वो विल टेल हिम ही रीजन ज हिम टू बी पंक्ल ठीक है ये आपकी मॉरल यू नो टाइम इज द्वालीस हमेशा आपके जो कलीग्स हैं फ्रेंड्स हैं आपको बेसिकली मैं इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ जब भी अगर आपकी पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए आर यू अ पंक्चुअल पर्सन आर यू अ पर्सनज ट्राइज टू रिकलेक्ट यो यू हैल्सो डेट यू शुड कम ऑन टाइम तो ये उसमें भी झलकता है सो यू हैव टू इंकलकेट दिस क्वालिटी एज वेल नाउ नेक्स्ट ही एज अ कैप्टन फाइंड डैट हिस्स कॉलेज वॉलीबॉल टीम इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट एंड इज़ टेकिंग इट कैजली अगर कभी ऐसा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वट यू विल डू फर्स्टली तो उनके उसमें अंदर मोरलिटी से अंदर से उनके मन से वो फीलिंग आनी चाहिए एक टीम स्प्रिट आनी चाहिए दैट इट इज़ देयर टीम एंड वट दे विल गेट आफ्टर दिस और उनका जो नाम रोशन होगा आगे जाके फील मेक देयर टीम प्राउड देयर कॉलेज यूनिवर्सिटी और वट एवर इज़ दर्गनाइजेशन दे मेक दैम प्राउड तो यहाँ पर लिख सकते हैं हो द मीटिंग डिस्कस द फ्यूचर प्लानिंग एंड बूज देयर मोरल एंड टेल दैट हाउ दे विल मेक देयर टीम प्राउड या फिर स्कूल प्राउड आफ्टर विनिंग द वॉलीबॉल मैचेज एंड मोर ओवर देज दॉलीबॉल मैचेस नाउ नेक्स्ट में आते हैं इवनिंग विद हीम बिग पॉइजनस स्नैक तो यहाँ पर दो आंसर होते हैं फर्स्टली यू कैन लेट हिम गो मतलब यू कैन लेट द स्नैक गो सेकेंड इज लाइक यू कैन ऑल्सो केल हिम तो फिर दोनों आंसर सही हैं बट पहले वाले में लेट हिम गो हो सकता है दूसरे वाले में किल तब कर सकते हो इट इज़ हार्मिंग यू इन द पर्सनल स्पेस लाइक होम या फिर घर भर में और वो बिल्कुल ह्यूमन की ह्यूमन के लिए बिल्कुल डेंजरस है अचानक से hmm? तो दिस दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट नंबर फिफ्टी नोटिस दैट समाला है आई थिंक दिस इज रिपीटेड सो दिस इज ऑल फॉर एस आर दिस इज ऑल फॉर टूडेटीज और अपने एस आर टीज आप मैच कर सकते हो इफ़ दर इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कोई एक्सट्रीम वाला आपका एसआर टी जा रहा है इस लाइन से आपका एसआर टी थोड़ा दूर जा रहा है डेफिनेटली यू कैन आस्क एंड यू कैन रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर द आंसर इन द डिस्कशन प्लेटफॉर्म एट द रेट मिशन एस एस बी तो आज के हम तो आज की टी टी क्या रहेगी वाली पिक्चर रहेगी बेसिकली

इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है तो क्या क्या आप सिचुएशन में डाल सकते हो फर्स्टली सिचुएशन तो आप पहले बैकग्राउंड दोगे वट इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन मे बी आप बोल सकते हो एग्जामिनेशन ख़राब हुआ हो और वो बाहर निकल रहा हो ये तो होगा निगेटिव वाली थिंकिंग सिचुएशन अगर होती है तो फिर आप कोई भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन हो सकती है मे पॉसिबल आप कुछ न्यूट्रलाइजिंग वाले मूड में लिख सकते हो कि विंडी डे था वो स्कूल से आ रहा था या फिर स्कूल की तरफ जा रहा था तो ये चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी न्यूट्रलाइज सिचुएशन में मे पॉसिबल आप अपनी लाइफ से रिलेटेड अपनी कोई स्टोरी बना सकते हो बिकॉज दिस इज़ अ पिक्चर विच इज़ अ न्यूट्रल पिक्चर यहाँ पर आपको कोई कंपल्शन नहीं कि आपको ऐसी ही स्टोरी बनानी है यहाँ पर अपनी लाइफ से रिलेटेड और अपनी कुछ क्वालिटी से रिलेटेड आप बना सकते हो यहाँ पर भले ही सिचुएशन कुछ ग्रेव सी हो लेकिन आपको उसका आउटकम ऑप्टिमिस्टिक बनाना होगा तो आप इसको लेते हुए अपनी स्टोरी बना सकते हो जिस तरीके से सुशील ने एक स्टोरी बनाई है यहाँ पर राहुल एक ट्वेल्थ क्लास का एस पी एम आई सी कोंच का ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट था तो जब वो आ रहा था तो फिर बारिश हो गई रास्ते में रास्ते में बट वो नहीं रुका ही उसने मोटिवेट किया दोस्तों को कि अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो और कम्प्लीटेड दो किलोमीटर कम्प्लीट किया और साथ ही साथ अपना जब रेन स्टॉप हुई तो घर पहुँच गए तो आप ये भले ही स्टोरी सही है लेकिन ट्रिगरिंग पॉइंट लाओ एज दे मूविंग वॉज विंडी स्टॉमी डे एंड देर नॉटेबल टू वॉक या फिर दे वगलिंग टू वॉक एंड देर आफ्टर दे डिस विल नॉट स्टॉप इस तरीके से कोई सीन बनाओ पर्टिकुलर बैकग्राउंड का भी सीन बनाओ आप कि कौन सा डे था कैसा था उसको हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे दो सो डैट सो एज टू मैच योर स्टोरी विद द पिक्चर स्टोरी सही है बट उसमें कुछ एक्शंस ला सकते हो और uh, यहाँ पर गोपीनाथ की स्टोरी uh, है ही हैज़ मेड अ वेरी गुड स्टोरी एंड ही हैज़ हर इवनिंग वो कॉलेज जाते थे बाय वॉक बट एक दिन क्या हुआ बारिश आई रेनिंग hmm, हैविली होने लग गई और इट वॉज सो विंडी ये जो वाला वर्ड है एंड विंडी वाला द राफ्टर ही नोटिस द केबल वायर नियर बाय ट्रांसफॉर्मर में वो डैमेज हो रखा था उसने इन्फॉर्म किया एंड आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आए एंड ट्वेंटी बीस तीस मिनट पहुँच जाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द शॉप ओनर एंड सम ऑफ एल्डर ही प्लेस्ड साइन बोर्ड लगाया सिग्नेचर बोर्ड एंड सेंग अबाउट द डेंजर एंड लेव द प्लेस व सेम टाइम कैन ऑल्सो श्योर दैट दल्टम यहाँ पर आप कंप्लीट करो स्टोरी इलेक्ट्रिशियन ऑफ केम एंड मैंडेटेड एंड दिस इज द ड्यूटी ही हैज फॉर होम एंड देर इज द डेस्टिनेशन ऑन द टाइम इन दिस यूर स्टोरी विद द पिक्चर यहाँ पर स्टोरी आई है स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग में ब्रावो ने लिखी है आई थिंक क्लियरली पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी हालांकि स्टबल तो नहीं लग रहा है लेकिन अगर अनक्लियर पिक्चर हो बहुत ज्यादा ब्लर हो तो तो बना सकते हैं लेकिन अगर थोड़ी सी भी क्लियर है क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ये क्लियर दिख रही है एक तरीके से ट्री भी या हवा के हवा के झोंके से ट्री उड़ रहे हैं वहाँ पे तो फिर यहाँ पर स्टबल का तो नहीं हो सकता है यहाँ पे कुछ विंडी डे बना सकते थे आप स्टॉमी डे हो सकता था रेनी डे हो सकता था कुछ स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे है ना मैं पॉसिबल इस तरीके की स्टोरी बना सकता हूँ लेकिन यहाँ पे स्टबल का तो नहीं लग रहा है हालांकि हाँ अनक्लियर पिक्चर होगी स्क्रीनिंग के लिए चल जाएगी हाँ स्नाइपर सिंह ने स्टोरी बनाई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर बगल में कूलर लग सकते हैं हु? कूलर वाटर लग सकते हैं रोड के और साथ में ताकि लोग पी सकें तो यहाँ पर कोई शायद से कोई समर का डे तो लग नहीं रहा है हु? और आपने कुछ मूड से भी आपने इसको मैच नहीं करवाया यू कैन सी क्लियरली कि वहाँ पर एक मैन है अपना सर नीचे किए हुआ है तो फिर किसका रीज़न क्या है बेसिकली आप वो चीज़ एक्सप्लेन करो उसको तो कूलर नहीं मिला पानी नहीं मिला ऐसा कुछ सीन तो क्रिएट हो नहीं रहा है वैसे तो सरपंच से बात करी और विद इन टू वीक्स में वाटर कूलर भी लग जाता है इतनी जल्दी तो कोई काम होता ही नहीं इसी में तो प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाओ ऐसी स्टोरी मत बनाओ कि दो दिन में काम हो रहा है दो हफ्ते में काम हो रहा है एक महीने में काम हो रहा है that's all for today's discussion i hope you got it and keep attempting keep learning and keep making yourself a better person than than yesterday 2 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद आप पक्का अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे उसके लिए क्या चाहिए sincerity devotion